इंसान के अंदर एहसास ख़त्म हो गया। जब बंदे में एहसास ख़त्म हो गया तो उसको फिर उसको किसी की तमीज़ नहीं रहती। तो एहसास ख़त्म हो गए लोगों के, इसलिए बस ये वाक़ियात ऐसे पेश आए। अल्लाह का शुक्र है मुझे वापस मिल चुका है। बस मुझे इतना पता चला है कि उसने फ़ोन भिजवाया लेटर के जरिए। अल्लाह जाने से क्या दिल में आया, लेकिन जो दुरंदे सिफत लोग हैं वो किसी का एहसास नहीं होता। जब इस गलत काम करते तो उसको कोई एहसास नहीं होता मैं किसके साथ कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। ये बड़ी किस्मत की बात है और शायद ये वाक़ कभी हुआ हो ऐसा पता नहीं करा, मैंने नहीं सुना। चोरी हुआ मोबाइल वापस आ जाए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और हम लोग खुशकस्मत समझते हैं। मोहम्मद का गम जिसके सीने में है, कहीं भी रहे वो मदीने में है। बस ये वाक्य को मैं असर के बाद पेश आया। शायद उसने यूट्यूब में वायरल करने के बारे में नात शरीफ रिकॉर्ड कराने के बारे में ले गया मस्जिद में, तो उसने ये वारदात कर दी, बल्ले का चला गया। बस वही कि ये यूट्यूब चैनल है आपका, तो इसमें थंबनेल नहीं, तो हम वायरल करेंगे इसको, थंबनेल लगाएंगे वीडियो पर, वीडियो बनाते हैं आपकी। तो मैंने वीडियो बनाना शुरू की तो वो चला गया मोबाइल लेकर। वो इसी पैसे में कुछ पैसे थे उसमें, मोबाइल में कोई फोटो कॉपी तस्वीर थी उसकी आईडी कार्ड की, तो फॉरवर्ड पास को पासवर्ड करके उसमें से निकाल लिया। और ये मोबाइल इन्होंने मुझे दिया है, उन्होंने बोला था कि आप दारुल हुदा जाके अमजद साहब को ये मोबाइल दे दें। पैगाम यही है कि बस अपना सब ख्याल रखें और किसी अनजान को कोई ना कोई मोबाइल फ़ोन दें, बिल्कुल समझ जो ब्लाइंड कम्युनिटी के अफराद हैं उनको भी ये पैगाम देना चाहूँगा कि अपना सब ख्याल रखें और किसी से कोई वो ना करें, लिंक ना रखें जो अनजान बन।